हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। और आज फिर से ना गरीब रथ में जर्नी करने वाला हूं। और इस बार जर्नी हो रही है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। हालांकि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में बहुत सी ट्रेन जो है वो चलती हैं, लेकिन आज मन हुआ कि गरीब रथ में जर्नी जो है वो करते हैं। और ये गरीब रथ जो है वो स्पेशल है, क्योंकि ये वाया अहमदाबाद होकर जाती है, जो कि आती है बांद्रा से, चलती है दिल्ली तक, लेकिन हम जर्नी कर रहे हैं अहमदाबाद से। चलो चलते हैं और इस गरीब रथ की जर्नी जो है वो इन्जॉय करते हैं। और एक और चीज़ है कि आज ना इस गरीब रथ में हमें वो सीटें मिली हैं जो शायद थोड़ी सी अजीब लगती है। मतलब कैसे उसमें हम लोग सफ़र करेंगे, हम चार लोग सफ़र करने वाले हैं और हम चारों में से किसी के पास ना लोअर बर्थ नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये सफ़र जो है वो उतना आसान जो है वो तो नहीं होने वाला। चलते हैं और अपनी जर्नी जो है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में वो शुरू करते हैं। बस शाम के 6:30 बजे हैं और शाम के 6:30 बजे देखो इतना ज़्यादा रश है स्टेशन पर। खूबसूरत शाम हो रही है, पर खूबसूरत शाम हो रही है और इस वक्त में ना बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो अहमदाबाद से निकलती हैं, तो रश भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे। चलो अपनी ट्रेन का अराइवल जो है वो तो 5 मिनट पहले ही हो गए यहाँ पे। बाकी हाँ एक चीज़ है कि इस ट्रेन में ना बहुत रश होने वाली है। मतलब बिल्कुल ट्रेन जो है वो खाली तो नहीं है, काफ़ी पैसेंजर जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। और हमारी सीटें जो है वो ऐसी मिली है ना कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा, पर हाँ चलो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है वो कैसी भीड़ है। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पे ना पेपर के जो रिजर्वेशन चार्ट थे वो लगे होते थे, अब वो ज़माना जो है वो ख़त्म हो चुका है। अंदर का मंजर जो है वो कुछ ऐसा है, इतना रश जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखो गाड़ी जो है इतनी पैक्ड है कि इन भैया की, भैया नाम क्या आपका? विकी ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, हिमाचल से भैया ट्रैवल कर जाने वाले हैं और इन्होंने टिकट जो है वो बनवाई है, 1460 रुपये जो वो उन्हें पे करने पड़े अहमदाबाद से दिल्ली के लिए। एक्चुअली मैं मुंबई से दिल्ली के लिए जा रहा था और मैंने मुंबई में ही सीट कन्फर्म कराई टीटी से, रेलवे स्टेशन के पास ही, और उन्होंने बोला कि जो सीट मिलेगी खाली बैठ जाना। तो मैं वहाँ से लेके बरूज तक बैठ गया, तो वहाँ से आगे मुझे कोई सीट नहीं मिली और ना ही मुझे टीटी ने यहाँ पे कोई रिस्पांस दिया सामने से कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है। अब मैं अपने सामान के साथ चला हूँ रास्ते में। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होता है कि इन भैया को ट्रैवल करना दिल्ली तक, लेकिन सीट जो है वो खाली नहीं दिखी। टिकट तो बन चुकी थी लेकिन सीट जो है वो नहीं मिली, तो यही थोड़ी दिक्कत की बात है इनके लिए। अपनी सीट यही है क्या? एक भी लोअर नहीं है ना अपने पास? लोअर नहीं है। इतने पानी की बॉटल्स और थेपले, वाह, अहमदाबाद की फेमस। एक साइड मिडिल भी अपनी होने वाली है शायद, ये वाली है साइड मिडिल, इसको भी देखना पड़ेगा। और बाकी कोई भी, सारी अपनी अपर बर्थ है। ताज़ा सैंडविच जो है वो बन रही है, तो सत्य भाई ने बोला कि ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगी है। 30 रुपये में सिर्फ, बताओ। मतलब स्टेशन पे अगर ऐसा सैंडविच मिल जाए तो फिर कई बात बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 7:05 पे अपना डिपार्चर हो चुका है और सामने से मेरे ख्याल से दरभंगा अहमदाबाद हमसफ़र जो है उसका अराइवल हो रहा है। अच्छा, हम लोग गेट पे इसलिए खड़े क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आने वाले, मतलब साबरमती रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं और खूबसूरत लगता है रात के वक्त में रिवर फ्रंट। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये साबरमती का रिवर फ्रंट। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रिज बनाने का काम जो है वो चल रहा है। देखो कुछ इस तरीके से पानी के अंदर जो है वो ब्रिज जो है वो बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे पूरा एक गड्ढा किया जाता है, पूरा लॉक सिस्टम होता है और उसके बाद से इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है और फिर सब कुछ हट जाता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है ब्रिज। तो ये बुलेट ट्रेन का जो पिलर है वो तैयार किया जा रहा है और जो ब्रिज बन रहा था वहाँ साबरमती रिवर पे वो भी बुलेट ट्रेन का ही ब्रिज था। तो देखो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन स्टेशन बिल्कुल और ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो हो चुका है और कुछ ऐसा दिखता है रात के वक्त में। हालांकि लाइटें और लगी होती तो दिन के वक्त में थोड़ा और अच्छा दिखाई देता। और फिलहाल अभी स्किप हो रहा है साबरमती रेलवे स्टेशन। बिल्कुल यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा हॉल्ट जो है वो GNC यानी कि गांधीनगर पे है और उस तरफ एक तेजस के रेक्स जो है ना वो खड़ी है। और मेरे ख्याल से अहमदाबाद राजधानी जो है वो जल्दी ही उसको तेजस के रेक्स जो है वो मिलने वाले हैं। मतलब ये
कि ऑटोमेटिक डोर्स जल्दी आने वाले हैं इस राजधानी एक्सप्रेस में। चलो बहुत देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और फाइनली GNC यानी कि गांधीनगर जो है बस पहुँचने वाले हैं। मतलब अराइवल हो रहा है अपना। अच्छा कोई आया नहीं यार, अगर कोई ना आए तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं और से अगर बोर्डिंग हो गई या फिर करंट में कहीं और से किसी ने टिकट बुक कर दी तो फिर दिक्कत रहेगी। चलो चलते हैं, पहले गांधीनगर का अराइवल जो है वो लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है वो, और देख करके आपको अच्छा लगेगा। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पे अराइवल की तो 7:46 पे यहाँ पे अराइवल का टाइम था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिले के साथ पहुँची है। बाकी स्टेशन मतलब नो डाउट बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा, और एक तरह से बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है ये। और स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब ये फील नहीं होता कि ये हमारे इंडियन रेलवे का कोई स्टेशन है। तो हमारे इंडियन रेलवे की जो छवि है ना वो धीरे धीरे ही सही पर अब वो बदल रही है। पुराने जो रेलवे स्टेशन होते थे बिल्कुल उनका काया पलट जो है वो हो रहा है। तो रात के करीब 9:30 का वक्त हो चुका है और ऐसे ही बैठे बैठे ना बिल्कुल बोर हो चुके हैं। और एक और चीज़, इस ट्रेन के ना बहुत ज़्यादा हॉल्ट जो है वो तो है नहीं, क्योंकि गरीबत एक्सप्रेस है और बहुत कम इसके हॉल्ट हैं। तो चलो फिलहाल स्किप हो रहा है महसाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ से तमाम लाइनें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि जयपुर की लाइन, जो कि सीधे निकल जाएगी रेवाड़ी होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी सीधा वीरम गांव की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है पाटन भिल्डी की तरफ, बिल्कुल ये भी एक वहाँ से लाइन निकलती है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है वडनगर की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ आके निकलती है और इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल स्लोली हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। तो ऑलमोस्ट रात के करीब 11 बजने वाले हैं और देखो कोच में सभी लोग जो है वो धीरे धीरे अब सोने लगे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने डिनर का। और सभी लोग बोर तो हो ही चुके होंगे बैठे बैठे इस जगह, और मनहर भाई देखो खाना ढूंढ रहे हैं अपने लिए। चलो पालनपुर बस पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर ट्रेन का फाइनली हॉल्ट है। थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ करते बोर हो चुके हैं यहाँ पे, और अपना डिनर भी वहीं पे आएगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि स्पेस कुछ नहीं है अपने पास, कहाँ बैठ के खाएंगे या कुछ करेंगे, और इस सीट पे भी कोई ना कोई तो आई जगह देखते हैं। आई होप ये देखिए अपना डिनर जो है वो आ चुका है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन। और एक और चीज़ है, यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था रात के 11:33 और ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट के डिले से पहुंचे यहाँ पे। तो 10 मिनट का डिले जो है वो तो चलता ही है। बाकी अगर मैं बात करूँ पालनपुर की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से भिल्डी की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और बस यही लाइन यहाँ से अलग होती है। बाकी तो जयपुर की लाइन और जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि अहमदाबाद वाली लाइन, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देख करके थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत देर तक यहाँ पर ट्रेन रुकी नहीं, सिर्फ 2 ही मिनट की रुकी। पर हाँ चलो कम से कम अपना डिनर जो है वो तो आ गया, थोड़ा लेट हो गया, मतलब 11 बजने को आ गए, 11:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर हम लोग डिनर जो है वो करने वाले हैं। देखो भाई गरीबत में यात्रा कर रहे हैं, और ये अच्छा हुआ कि एक साइड ओवर सीट जो है भैया ने हमें दे दी, तो कम से कम बैठ के आराम से हम लोग खा सकते हैं। फिर भी देखो कुछ ऐसे बैठ कर खाना पड़ रहा है हमें, और गुप्ता जी की थाली जो है पालनपुर की बहुत मशहूर थाली होती है, और बहुत तारीफ सुनी है इसकी, वैसे एक बार खाया भी है, और वाकई बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस साइड से जाते हो, इस साइड से ट्रैवल करते हो, तो पालनपुर में गुप्ता जी की थाली जो ज़रूर से ऑर्डर करो, क्योंकि वाकई इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। थाली तो करो ही ऑर्डर, और साथ में हम लोग जैसे अलग अलग चीज़ें मंगाइए, उसमें वैरायटी भी मंगा सकते हैं। और वही है, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप ई केटरिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। सीधा ऑनलाइन जाओ, सर्च करो IRCTC की ई केटरिंग, वहाँ अपना PNR नंबर जो आपका है वो डालो, उसके बाद से
आप जिस भी स्टेशन पे खाना मंगाना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो सारी लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। और चलो फिलहाल अपना डिनर हम लोग ख़त्म करते हैं, जैसे भी, क्योंकि बहुत दिक्कत की बात है, पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो डिनर करते हैं और देखते हैं, अगर आबू रोड पर अगर नींद खुलती है तो रबड़ी जो वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ डिनर करके सो जाएंगे हम लोग फिर। तो चलो अपना डिनर जो है वो तो हो चुका है, बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि अभी पहुँचने वाले हैं आबू रोड। और देखो बढ़िया खाना जो है वो हमने खा लिया, लेकिन सोच रहे हैं ना कि थोड़ा मस्कान में आबू रोड की रबड़ी जो है वो ट्राई की जाए, अच्छी लगती है, इसलिए वेट कर रहे हैं उसका, बस पहुँचने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल पालनपुर से निकलने के 35 मिनट बाद ही पहुँच रहे हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन, और क्या बढ़िया टाइम पे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। अब बस देखना ये है कि रात के करीब 12 बजे यहाँ पे रबड़ी जो है वो मिलती है या नहीं मिलती है। चलो ये चीज़ अच्छी है कि शॉप जो है वो खुली हुई है और रबड़ी जो है वो मिल रही है। वैसे आपको रबड़ी जो है ना वो बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक से बढ़िया स्टॉल से ही लूँ। देखो वैसे तो इस कुल्हड़ में रबड़ी जो है वो मिलती है, लेकिन मैं इसमें ले रहा हूँ ताकि आराम से हम लोग बैठ के खा सकें। बाकी यहाँ टेस्ट तो वही होता है, लेकिन आपको रबड़ी जो है वो बहुत सारे स्टॉल्स पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फाइनली रबड़ी जो है वो तो हमने ले ली, बाकी एकदम बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे यहाँ पे। अच्छा यहाँ जो पूरा ग्रुप, एक मिनट रुको भाई, पूरी मंडली जो है वो ट्रैवल कर रही थी। माउंट आबू से आप लोग आए हो? कितना दूर है यहाँ से माउंट आबू? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। कैसा था माउंट आबू? पूरा अच्छा लगा, मजा आया? शिमला। चलो भाई इतनी तारीफ की, एक बार मैं भी जरूर जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा वहाँ पे। बाकी चलो भाई थैंक यू सो मच, मंडला अपन आभारी आए, कैसे बोलते क्या? जय श्री राम। चलो ठीक है, चलो ये लोग जो है वो माउंट आबू जो है वो घूम रहे थे और अच्छा लगा। मतलब अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, माउंट आबू घूम रहे हो, तो अच्छा तो बहुत लगता है। और ये देखो ये तो पूरा ही पूरा ऐसा लग रहा है कि रबड़ी की दुकान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। चलो रात काफ़ी हो चुकी है, आप जल्दी सोते हैं। और एक और चीज़ है कि गरीबत के आज मैं मिडिल बर्थ सोने वाला हूँ, मतलब साइड मिडिल बर्थ पर सोने वाला हूँ, तो ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है। और ये आपको स्पेशली सिर्फ गरीबत इसमें देखने को मिलती है। तो इस साइड भी तीन बर्ड, अपर साइड मिडिल और साइड लोअर। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और सीधे आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन अब देखते हैं या तो जयपुर या तो उसके बाद कहीं नींद खुलती है तो उसके बाद सारे का सफ़र जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल रेस्ट करते हैं अभी। तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो स्लो इसलिए है क्योंकि आप फॉग देख रहे हो, आप बिल्कुल देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में ट्रेन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, और इसीलिए ट्रेनों की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है। अश्यान भाई को ठंड बहुत लग रही है, राजस्थान वाली ठंड है, पूरी चुभने वाली ठंड है। अच्छा अभी तक तो शहर में बहुत खुश थे, गर्मी हो रही थी, जैसे गाड़ी तेज चली। चाय पी लो फिर। सही में ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। तो वाकई में सुबह की जो ठंड है ना अभी फिलहाल राजस्थान की, वो बहुत ज़्यादा है, और फॉग के कारण तो लग रहा है कि और ठंड जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में चाय जो है अपना सहारा होती है कि कम से कम थोड़ी गर्माहट जो है वो मिले। और बस कुछ ही देर पहुँचने वाले हैं दौसा रेलवे स्टेशन, लेकिन दौसा में हमारी ट्रेन रुकने नहीं वाली है, वो स्किप करने वाली है। इनफैक्ट बांदी कोई भी हम स्किप करने वाले हैं, पर हाँ हो सकता है कि खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक करें, दौसा नहीं। अब दौसा से आगे हम ओवरटेक करने वाले, कहाँ होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल तो मैं चाय जो है वो इन्जॉय करता हूँ इस सर्दी में। अब देखने वाली बात ये है कि रेवाड़ी तक हमारी ट्रेन जो है वो कैसे चलती है, मतलब अगर ऐसे ही फॉग रहा तो ऑब्वियसली लेट होगी ट्रेन, और लेट होगी तो फिर हो सकता है कि कुछ और गाड़ियां जो है वो हमें मिले, हम उनका ओवरटेक करें, या फिर कोई अगर बड़ी ट्रेन होगी तो शायद हमें भी ओवरटेक कर सकती है। तो चलो पोहे और कटलेट दोनों मल्हर भाई जो है वो टेस्ट कर लिया, कैसा था मल्हर भाई? वर्थ है क्या लेना, मतलब अगर किसी को ब्रेकफास्ट करना हो तो? प्याज है, पोहा में नींबू भी डाला है, ओवरऑल मतलब साइड में इंटरेस्ट इतना, उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं था।
जब लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तभी भी बहुत अच्छा दिया था, इस टाइम बहुत अच्छा दिया खाना, वर्थ इट एकदम, आप ले सकते हो खाना। चलो मतलब अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है इस ट्रेन में तो आप पोहे और कटलेट जो है वो ले सकते हो, अच्छा होता है। तो चलो बस पहुंचने वाले हैं बांदीकुई, लेकिन बांदीकुई को हम स्किप करने वाले हैं और उसके बाद हमारा सीधा हॉल्ट जो है वो अलवर में होने वाला है। और सामने से कोई अल्कोहलिक ट्रेन जो है वो आ रही है और देखो फॉग में बिल्कुल देख पाना मतलब पॉसिबल नहीं है इसको। ये देखो सिर्फ लाइट जो है वो दिख रही है इसकी, यानी ये तो EMD में है। पैसेंजर ट्रेन जो है वो है, चलो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है अलवर पे। काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो ट्रॉल हो रही है, मतलब बहुत स्लो स्लो चल रही थी, और अलवर आने के बाद जो ठंड है ना वो अब फील हो रहा है, मतलब हाथ बाहर निकालने के बाद फील हो रहा है कितना ठंड है। मिल्क केक 250 ग्राम ज़्यादा है, मतलब ठीक है फिर भी 250 ग्राम ले लेना, ठीक है मतलब। चलो मैं इसको बाद में टेस्ट करता हूँ, आराम से बैठ के इसको टेस्ट करेंगे। ओके। तो चलो वक्त हो चुका है सुबह के 9:36 का और फाइनली पहुँच चुके हैं अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अगर बात करूँ ना तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 8:07 का, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटे लेट पहुँची है। तो जो ट्रेन लाइक ऑन टाइम चल रही थी फॉग के कारण से लेट होना शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन दिल्ली जो है वो कब पहुँचती है, क्योंकि अगर ऐसे ही लेट होगी, फॉग ऐसे ही रहा तो ट्रेन और लेट होगी। अच्छा एक और चीज़ बात करो अगर अलवर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मथुरा के लिए निकल जाती है, तो बस हाँ ये एक लाइन निकलती है और इसीलिए अलवर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी सिर्फ 2 मिनट हुए भी यहाँ रुके हुए और सिग्नल भी हो चुका है निकलने का। और हाँ अलवर का मिल्क केक जो है वो भी हमने ले लिया है, जब भी आते हैं तो अलवर का मिल्क केक जो है वो तो बिना खाए जाते नहीं यहाँ से, और आप भी जब भी यहाँ पे आओ तो अलवर का मिल्क केक जो है वो ज़रूर से आप ऑर्डर करो, वो लो आप। सारे छोटे बड़े जो स्टॉल्स होते हैं ना उसमें आपको मिल्क केक जो है वो देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत आसानी से आप ले सकते हो अगर आपको मिल्क केक खाना हो तो। ये देखो यहाँ भी मिल्क केक जो है वो मिल रहा है। तो देखो ये लाइन जो है वो निकल जाती है मथुरा की तरफ और हम सीधे निकल चुके हैं रेवाड़ी की तरफ। सुबह करीब 11:10 का वक्त हुआ है और ठंड की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब तो, और हम पहुँच रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अगर बात करूँ ना तो सुबह के 9:23 पे यहाँ पहुंचने का सही समय था, पर ट्रेन पहुंची है 11:15 पे, तो आप कह सकते हो कि अराउंड 2 घंटे जो है वो ट्रेन लेट हो चुकी है। ये टाइम था दिल्ली पहुंचने का, पर इस टाइम पे हम पहुँच रहे रेवाड़ी। दिल्ली अभी भी अराउंड 80 किलोमीटर यहाँ से दूर है और ये दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटे तो लगने ही वाले हैं, तो और ऐसे में हो सकता है कि हम 1 बजे दिल्ली पहुँचे, और स्वाभाविक भी क्योंकि फॉग है ठंड है तो ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट तो होगी। बाकी अगर बात करूँ रेवाड़ी की ना, तो रेवाड़ी सच में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, मतलब यहाँ पे इतनी सारी लाइनें आती हैं कि एक पल को मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि लाइनें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। एक लाइन तो आती है रोहतक की तरफ से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रिंगस की तरफ, एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है हिसार की तरफ, और एक लाइन जो है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि अलवर वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी दिल्ली की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ आके मिल रही हैं, और पता नहीं शायद मैंने 1-2 लाइन छोड़ भी दी होगी, पर इतनी सारी लाइनें जो है यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए रेवाड़ी जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और उस ज़माने में भी, मतलब स्टीम एरा के ज़माने में भी, ये एक बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था, और
स्टीम इंजन्स का यहाँ पे रख रखाव जो है वो बहुत भारी मात्रा में होता था, और उस ज़माने में रेवाड़ी जो है ना वो स्टीम इंजन का हब हुआ करता था। आज भी आपको जो स्टीम इंजन के जो शेड है ना वो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ उस ज़माने की बात अलग थी, आज तो सब कुछ ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, सिर्फ 5 मिनट रुकी होगी और उसके बाद से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। तो भाई दोपहर के 12:44 का वक्त हो चुका है, जस्ट नींद खुली अपनी, एक पावर नैप जो है वो ले लिया हमने, धूप जो है वो खिल गई अब तो। अच्छा लग रहा है दिल्ली में अनएक्सपेक्टेडली धूप मिल गई। बिल्कुल धूप मिल गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है अब तो कि चलो कम से कम उतनी सर्दी जो है वो देखने में मिलेगी। बाकी चलो डिपार्चर का संकेत जो है वो भी हो गया, बिल्कुल नींद लग गई थी और सो गया था मैं। चलो दिल्ली कैंट से भी अपना डिपार्चर जो है वो हो गया, और सुबह तो नहीं हाँ पर खूबसूरत दोपहर जो है वो हो गई हल्की धूप के आने से। तो और वैसे अब जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है तो ज़्यादातर धूप जो है वो देखने को मिलेगी नहीं, पर हाँ चलो अच्छा हुआ कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की धूप जो है वो निकल आई। चलो फाइनली अपना यहाँ पे जर्नी ख़त्म होता है और हम सभी लोग यात्रा कर रहे थे, हालांकि सबका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अलग अलग हो सकता है क्योंकि सब लोग अलग अलग बर्थ से हुए थे। मिडिल बर्थ का एक्सपीरियंस कैसा था? मिडिल बर्थ एक्चुअली मेरा कैसा है, हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो मिडिल बर्थ में थोड़ा सा पैर आगे आ रहा था, बट स्टिल ठीक था मिडिल बर्थ का एक्सपीरियंस। पेंट्री वेंट्री सब साइड पेंट्री का खाना वाना सब बढ़िया था। और भाई साइड लोअर का एक्सपीरियंस कैसा था? उठने में दिक्कत होती है, अगर आपको वॉशरूम जाना है कुछ भी पानी भी पीना है ना तो आपको बाहर निकल के पीना पड़ेगा, तो ऐसे आपको उठना पड़ेगा ऐसे करके पूरा वो लाइट। साइड मिडिल जो थी वो कह सकता हूँ कि ठीक कंफर्टेबल थी, लेकिन हाँ दिक्कत होती है जो नीचे होता है उसको दिक्कत ऑब्वियसली होती है, और जो अपर बर्थ पे होता है साइड अपर पे होता है बड़ी दिक्कत थी। मेरे जैसे लंबे बंदे की तो वहाँ पे मतलब पाँव जो वाइन देते मेरे को ऐसे सोना पड़ा था पूरा बाहर करके, और हाइट तो जो हेड मतलब कहते हैं वो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बोले अगर तो गाड़ी बहुत पैक रहती है, मतलब अंदर आप जाओगे ना तो आपको जगह जो बिल्कुल नहीं मिलेगा, फुल्ली पैक चल रही है तो आपको थोड़ा सा वैसा फील होगा कि बिल्कुल भरी हुई सब कुछ है। बाकी चलो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल एसी की चलता है। हाँ आईसीएफ का एसी तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल, हाँ गर्मी होती। चलो फाइनली गरीबत की जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म, और ये पूरा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ साझा किया। बाकी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।